मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था अभी तक। हमारी सरकार बनी थी उसके पहले, जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें चू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूँ लेकिन फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? सरकारी स्कूलों में पहली बार, आज़ादी के बाद से पहली बार, 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे आईआईटी के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई, 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या देश का भविष्य बना रहा है। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए, दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हम ये नहीं पूछते कि कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आदमी है हर एक का इलाज मुफ्त है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयाँ, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ? आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक फरिश्ते स्कीम बनाई, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए, आसपास जो भी अस्पताल हो, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना, उसे उठा के, ये नहीं सोचना कि मैं कभी मेरे उसे नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए, उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। फरिश्ते स्कीम कहते हैं हम इसे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। विकास सानी साहब हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, अपने घर से निकले मार्केट के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा थी कि उधर से अंतुल कोहली जी गुजर रहे थे, उन्होंने उनको उठाया और वो उनको अस्पताल ले गए। उस छोटे अस्पताल ने उनको फोर्टिस में रेफर कर दिया क्योंकि चोट बड़ी गहरी थी। फोर्टिस अस्पताल में उनका 5 लाख रुपए का खर्चा आया, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम। इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या पुण्य का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है?
तुम्हारे मंत्रियों को चार चार पांच पांच हजार यूनिट, तुम लोगों को चार चार पांच पांच हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है तब ठीक है, लेकिन गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। आज दिल्ली के अंदर हमने फ्री में लोगों को योगा कराना चालू किया, 17,000 लोग दिल्ली में हम उनको फ्री में टीचर भेजते हैं रोज सुबह, हमारे 500 से ज़्यादा टीचर फ्री में जगह जगह लोगों को योगा कराने जाते हैं। हमने दिल्ली में सबकी दवाइयाँ सब कुछ फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिए, इलाज फ्री कर दिया, लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए, उनको योगा सिखाते हैं हम लोग। 17,000 लोगों को हम योगा सिखा रहे हैं डेली, फ्री में योगा टीचर भेज रहे हैं, बताइए क्या गलत कर रहे हैं। आज मैं दिल्ली में हजारों लोगों को फ्री में यात्रा करा चुका, हजारों बुजुर्गों को, लगभग 45,000 से ज़्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अयोध्या जी गए, हरिद्वार ऋषिकेश गए, मथुरा वृंदावन गए, शिरडी बाबा गए, रामेश्वरम जी गए, पुरी जी गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराई है। तीर्थ यात्रा कराने का तो पुण्य होता है, और ये लोग कह रहे हैं कि, ये लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल फ्री में रेवड़ी बांट रहा है। मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूँ आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है।